अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल के कक्षा 12 पास संचालक रंजीत निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध दस्तावेज को किया बरामद व हॉस्पिटल को किया सील। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने किया खुलासा। जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने एलकेजी से कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण में गांव-गांव लोगों को किया जाएगा जागरूक। गांवों में प्रयोग होने वाले अवैध तमंचे के सोर्स का किया जाएगा पता। तमंचा बनाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। दो दिवसीय गोरखपुर लिट फेस्ट का मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने किया शुभारंभ। कहा, इतिहास से सबक लेकर वर्तमान तक खड़ा होने का हुनर आना ही है वास्तविक लोकतंत्र में साहित्य का मूल मंत्र। उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों संग किया संवाद। कहा, शॉर्ट सर्किट से होती है अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं। फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के भवनों को करें आग से सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगी पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में 243 हॉस्पिटल के अलावा 142 पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर और 502 नर्सिंग होम है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंजीकृत। अवैध संचालित 70 हॉस्पिटल और 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को किया जा चुका है सीज। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काफी बढ़ गई है हृदय और मस्तिष्क रोग के मरीजों की संख्या। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रखना चाहिए विशेष ध्यान। सुबह या रात में ना निकलें घरों से बाहर। स्नातक विधान परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे यह चुनाव। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, नगर निगम व पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और ठंड से बचाव के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों व उनके परिजनों को रुकने के लिए रैनबसेरे की गई है व्यवस्था। जगह जगह पर जलाया जा रहा है अलाव। मरीजों को मिल रहा निःशुल्क भोजन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने दी जानकारी।